नमस्कार दिवस, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर कुमार गौरव के पास। डॉक्टर कुमार को फाउंडर हैं VPWC के। उन्होंने MBA फाइनेंस किया हुआ है और उसके साथ साथ उन्होंने PhD भी की हुई है। और आज हम उनसे जानेंगे कि ICICI प्रूडेंशियल का जो नया एक NFO आया हुआ है जिसका नाम है ICICI फ्लेक्सी कैप फंड, उस फंड के बारे में उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड होते क्या। आप देखिए, हमारे मार्केट को 3 कैपिटलाइजेशन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसको लार्ज कैप कहते हैं, उसके बाद वाली 150 कंपनीज को मिड कैप कहते हैं, और 250 के बाद जो कंपनीज हैं उनको स्मॉल कैप कहते हैं। अगर पिछले 4-5 सालों को ही देखें तो अलग अलग समय में अलग अलग कैपिटलाइजेशन की कंपनीज ने बिहेवियर अलग किया है। 2013 से लेकर 2017 स्मॉल और मिड कैप आउट परफॉर्म किया लार्ज कैप को। 2017 से लेकर कोरोना पीरियड तक लार्ज कैप फंड आउट परफॉर्म द स्मॉल कैप एंड मिड कैप। कोरोना पीरियड में तीनों ही कैप कंपनीज गिरे और अब तीनों ही उठ रहे हैं। तो हर समय अपॉर्चुनिटी वहां पे होती है जहां पे सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक बैलून का एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक बैलून है, उसमें आधी गैस भरी हुई है। अब उसके एक सिरे को हम दबाएंगे तो दूसरा सिरा फूल जाता है, और दूसरे सिरे को दबाएंगे तो पहला सिरा फूल जाता है। तो जहां जिस सेक्टर में सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव हो जाते हैं, उसमें बिकवाली काफी ज्यादा हो जाती है, और इसके बाद एक समय आता है जब उसकी वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो उस समय जो कस्टमर बिहेवियर है वो तो पास्ट परफॉर्मेंस देखता है और मार्केट हमेशा फ्यूचर को फोरकास्ट करता है। सो ए कस्टमर शुड आइडियली इन्वेस्ट इनटू द अपॉर्चुनिटीज वेयर वैल्यूएशन इज लो, वेयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट हमारी जो पर्सनल बेसिस है वहां काम आ जाती है। सो फ्लेक्सी कैप फंड में जो फंड मैनेजर है वो इस बायसनेस को हटा के काम करता है। वो पहले अपॉर्चुनिटीज देखता है, वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और जिधर उसे एक्सपोजर उस तरफ लेता है जहां उसे संभावनाएं ज्यादा रखती है। तो ICICI प्रूडेंशियल का जो NFO लॉन्च हुआ है 28 जून को और 12 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन ओपन है। इनका एक इनहाउस मॉडल है जो डिटरमिन करेगा किस तरफ संभावनाएं ज्यादा है, किस तरफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, और इस हिसाब से फंड मैनेजर हैज टू रन द शो। This is very lucrative for the customers and we should definitely put our some exposure into this NFO. Thank you. Mutual fund निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेश से पहले योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।